अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। डेली रूटीन की तरह आज का भी मेरा ब्लॉग होगा कि मैं डेली रूटीन नाश्ता बना रही हूँ और रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि बीच में मैं बातें भी करूँगी आप लोगों से और रोटियाँ भी बनाऊँगी। इसी तरह टाइम भी गुजर जाएगा और आपसे बातचीत भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे करते हैं। डेली रूटीन जो है, डेली रूटीन में हम आजकल ब्लॉग के वीडियो, तो ये मैंने चूल्हा जला के ऊपर रख दिया है तवा, और अब मैं दाल बनाती हूँ पेड़े। आज काफी लेट होगी हमारे नाश्ते को, काफी ज्यादा लेट होगी है, तो जल्दी जल्दी चलो बना लेते हैं। बेलने पे रोटियां बनाते हैं, मैं तो हाथ पे बनाती हूँ, मुझे बेलने से बनानी पसंद ही नहीं है। मैं मतलब नहीं बनाती बेलने पे। सबसे बड़ी बात जो हाथ से काम होता है वो सबसे बेस्ट है। तो हम तो देसी माहौल में रोटियां बनाते हैं, हम तो नहीं कटते के बेलने के साथ बनाए नहीं। ये बेलने के बिना वाली रोटी है और ये देख सकते हैं आपके, इतनी बड़ी और इतनी बारीक। आज हम एक क्लिप भी करने जा रहे हैं उर्दू, उसमें मेरी पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ आज जो है सैड क्लिप है, लव स्टोरी, वो हम बनाने जा रहे हैं। सही है, चने आ गए। क्या रात को मेरी आंटी ने बनाई थी चने छोटे, वो ले जाओ चम्मच एक और कोलगेट और सबको उठाओ अंदर से नाश्ते के लिए, मुंह वॉश करें और आए नाश्ते। गर नहीं मिला, गर नहीं मिला,
थोड़ा उसको भेजो, जा जाओ मेहरबानी करो, जाओ पूरी टीम आ चुकी और उसे भी है मैडम। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी मलक नादियों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द और बहुत ही जल्दी, और इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।